हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल को धो करके 3 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। तो ये देखिए, चावल अच्छे से भीग गए हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हो। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और चावल को हम इसमें डाल देंगे। इसमें से पानी को मैंने निकाल दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बंद करके पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पीसना है हमें। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। एक प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। एक टमाटर को बारीक कट कर लिया, इसे भी डाल देंगे। शिमला मिर्च, एक गाजर ली है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया था, इसे भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें से सारा पानी निकाल कर इसमें डालेंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीस में कट किया है। 2 हरी मिर्च। सब्जी आप अपने मन पसंद की कोई भी ले सकते हो। और सारी सब्जियों को हमें बारीक बारीक कट करके डालना है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने तवे को गर्म रख दिया है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छे से पोंछ देंगे और अब हम इसके ऊपर बैटर को डालेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल शेप में फैला देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे पलटेंगे। तो देखिए, हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से पक गया है। दूसरी तरफ भी पलट देंगे। तो ये हमारा पराठा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह से हम बचे हुए सारे पराठे बना देंगे। तो ये हमारे सारे पराठे बनकर के तैयार है। पराठे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इस पराठे को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।